नमस्कार जैन दोस्तों स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी यू प्लेटफॉर्म पे जो कि है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म तो यहाँ पर आज से हम डिस्कस करने वाले हैं ये अपना प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन जिसमें हम ऐसी सारी न्यूज़ेस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं प्रीलिम्स में आपसे पूछी जा सकती हैं ऐसी सारी न्यूज़ेस को हम डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे जो डेली न्यूज़ेस आती हैं जो आपके प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं ऐसी सारी एकदम फैक्चुअल भी हो एनालिटिक हो डिस्कशन है तो ऐसी सारी न्यूज़ेस पे हम डिस्कशन करेंगे इस वाले पार्ट में आज से आपकी ये सीरीज स्टार्ट है आज फर्स्ट डे आप न्यूज़ेस देखें कल से क्या होगा जो भी चार पाँच छः जितनी भी न्यूज़ेस आती हैं उन न्यूज़ेस को डालने के बाद आखिरी में आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा उस क्वेश्चन का आंसर रखना है आपको कहाँ पे तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिखें जो भी आंसर करेक्ट देंगे उनके नाम यहाँ पे बताए जाएंगे टॉप थ्री जो स्टूडेंट्स रहते हैं जो आंसर करेक्ट देते हैं उनके नाम यहाँ पे अनाउंस किए जाते हैं तो आज के कोई वीडियो में क्वेश्चन इंक्लूडेड नहीं है लेकिन कल से हम क्वेश्चन भी इंक्लूड करेंगे और रात में साढ़े दस से साढ़े ग्यारह के बीच में ये वीडियो आएगी इसका रीज़न ये है ताकि दिन भर की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ेस आ रही हैं वो आपकी सारी कवर कर ली जाए इसलिए इसको रात में लेट रखा गया है तो अगर आप रात में देख सकते हैं तो रात में देखें अदरवाइज आप इसको दिन में भी देख सकते हैं कोई इशू नहीं है क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी लाइव नहीं रहेगी ये तो ये प्रीमियर वीडियो रहेगी तो आप कभी भी देख सकते हैं, दिन में भी रात में भी बट आप इसको डेली देखें ताकि जो भी अब आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आ रहा है तो उसमें आपको हेल्प कर सके ये कहीं ना कहीं तो इसमें सारी न्यूज़ेस ऐसी रहेंगी जो आपके प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछी जा सकती है तो बढ़ते आज की हमारी डिस्कशन पे ये मेरे बारे में एक ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन है चार साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है यू पी फील्ड में ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है यहाँ पे जाके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं डाउट्स क्वेरीज पूछ सकते हैं लेक्चर की पीडीएफ चाहिए हो तो वो मिल जाएगी ये अनकेडमी प्रोफाइल लिंक है इस पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सेकंड ऑफ जेन से जो मेरी नई टाइमिंग्स है पढ़ाने वाली वो कुछ इस तरीके से है अनाकेडमी पर डेली क्लास होगी रोज़ सुबह ग्यारह बजे और ये प्रीलिम्स के लिए रिवीजन क्लास होने वाली है इसमें हम अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग टॉपिक्स उठाएंगे डेली बेसिस पे जो भी आप लोग रिकमेंड करेंगे ऐसे सारे टॉपिक्स को यहाँ पे उठा के आपको इजी वे में समझाया जाएगा ताकि जो जून में आपका प्रीलिम्स होने वाला है उसको आप इजीली क्रैक कर सको तो यहाँ पे मेन टारगेट अब प्रीलिम्स है हमारा 2021 वाला उसके लिए डेली 11 बजे ये क्लास होगी वाईफाई स्टडी यू चैनल पर एन फाउंडेशन कोर्स है चार बजे ताकि आपका बेस मजबूत किया जा सके प्रीलिम्स के लिए तो ये भी प्रिलिम फोकस रहेगा अन अकेडमी यू चैनल पे टेन मिनट डिस्कशन होगा अभी एक दो दिन से ये हो नहीं पा रहा है जो लोग देख रहे हैं तो उन्हें पता होगा इसमें यू रिलेटेड टॉपिक्स है इसको आप कंटिन्यू करेंगे सेकेंड ऑफ जनवरी से इसको कंटिन्यू किया जाएगा प्रीलिम फोकस करेंट अफेयर ये आज से ही स्टार्ट हो गया अब ये डेली बेसिस पर आएगा एक्सेप्ट सन्डेज़ संडेज़ को ये नहीं आएगा बाकी डेली आएगा ठीक है इसके अलावा टेन मिनट डिस्कशन एक वाईफाई स्टडी चैनल पे होती है ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये भी सन्डेज़ को नहीं आती है बाकी सारे दिन आती है अन की जो आपकी क्लास है ये डेली आएगी बाकी सारी क्लासेस मंडे टू सैटरडे रहेंगी अन अकेडमी प्लस आप ज्वाइन करते हो तो लाइव क्लास मिलेगी टेस्ट सीरीज़ होगी अनलिमिटेड प्रैक्टिस होगा स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल होगा प्राइजेज़ आपके सामने रेफरल कोड अप्लाई करें जैसे ही आप रेफरल कोड अप्लाई करोगे आपको 10 परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा और प्राइजेस कुछ इस तरीके से कम हो जाएंगी आइकॉनिक पे प्लस के सारे बेनिफिट मिलेंगे साथ में पर्सनल कोच डेली मेन्स के क्वेश्चन आंसर स्टडी प्लान और पर्सनलाइज फीडबैक प्राइजेज आपके सामने रेफ़रल कोड फिर अप्लाई करो प्राइजेस कम हो जाएंगी दस से और कम प्राइजेस पर ज्वाइन करो आज की हमारी जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है आरपी तिवारी कमेटी से यूनिवर्सन ग्रांट कमीशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको हम यू भी बोलते हैं इन शॉर्ट तो इसने एक सेवन मेंबर की कमेटी बनाई है जिसको हेड कर रहे हैं आरपी तिवारी तो ये आरपी तिवारी कमेटी बनाई गई है यू के द्वारा तो इसको हम देख लेते हैं कि क्या है इस कमेटी में है कौन कौन सी रिकमेंडेशंस दी गई हैं या क्या यहाँ पर बोला गया है तो ये कमेटी बनाई गई है किसके लिए तो यू जी लेवल है जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं जैसे बी टेक हो गया बी ए हो गया इनको बोला जाता है अंडर ग्रेजुएट एम 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 टेक ये क्या होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन तो जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है इन सब के लिए क्या हो एक कॉमन टेस्ट हो ठीक है इन सब के लिए कॉमन टेस्ट किया जा सके एंट्रेंस टेस्ट ताकि क्या है बच्चों को बार बार टेस्ट ना देना पड़े तो एक कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट किया जा सके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म डेवलप करना है उसके लिए उस पर रिकमेंडेशन देने के लिए ये कमेटी बनाई गई है ऐसा क्यों कर रहे हैं हम तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिखा हुआ है कि जो बच्चे अलग अलग इंट्रेंस देने के लिए अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन करते हैं इसमें उन्हें पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं तो उनका कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए हम ये एक कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट कराएंगे। इस कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट में क्या होगा तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और साथ में जो स्पेशलाइज्ड कॉमन एग्ज़ाम है उनके लिए अलग तरीके से टेस्ट होगा साल में दो बार ये टेस्ट एटलीस्ट कंडक्ट किया जाएगा बैचलर्स डिग्रीज में एडमिशन लेने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और अगर ये अप्लाई हो जाता है तो जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया है एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी बनाई जाएगी इसको भी एस्टेब्लिश किया जाएगा सेकेंड जो हमारी न्यूज़ है वो है आइस वर्क ए से रिलेटेड हाल ही में यूनस नेशनल आइस सेंटर ने दो आइस वर्क्स हैं जो कि निकले हैं ए सिक्सटी एट ए से इनका नाम रखा है क्या नाम रखा है ए सिक्सटी एट ई और ए सिक्सटी एट एफ़ तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये आइस वस्ट क्या होता है या आइस वर्क सॉरी क्या होते हैं तो आइस वर्क देखो ये एक बड़ा सा आप बोल सकते हो कि आइस का टुकड़ा है जो फ्रीली फ्लोट करता है कहाँ पे पानी पे ठीक है वाटर पे जो समुंदर का एरिया होता है या समुंदर में मिलने वाला जो पानी है उसमें जो फ्रीली फ्लोट कर रही है आइस का बड़ा सा टुकड़ा और वो टुकड़ा भी इतना हो जैसे आइलैंड होता है ना उस साइज के हो सकते हैं कि एक छोटे आइलैंड की साइज का ये टुकड़ा हो सकता है उसको बोला जाता है आइस वर्ग ये जो आइस है ए सिक्सटी एट ये अंटार्कटिका का एक लार्सन सी आइस सेल्फ है उससे टूटा था 2017 में ओशन करेंट्स जो होती हैं वो आइस वर्क को ट्रैवल करने लिए के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं कि एक जगह से दूसरे जगह अगर ये ऐसे मूव कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तो ये किस वजह से हो रहा है ओशन करेंट्स की वजह से ओशन करेंट्स एक फोर्स है जो रेस्पॉन्सिबल है इसके मूवमेंट के पीछे ठीक है तो ओशन करेंट्स के मूवमेंट की वजह से क्या होता है यहाँ पर आइस वर्ड्स मूव करते हैं अब प्रॉब्लम क्या है अगर ये किसी आइलैंड के पास जाते हैं ठीक है थीके? जैसे मान के चलो ये आइलैंड है यहाँ से कोई आइस वर्स्ट ऐसे बहते हुए से टक करा गया तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बशंस क्रिएट कर सकता है जो वहाँ की लोकल वाइल्ड लाइफ है उसको ख़त्म कर सकता है लेकिन अगर आप देखें कि ये जो आइस वर्स्ट है अगर ये समुंदर में कहीं पर ओशन वाले पार्ट में अगर कहीं पर बीच में जा रुक रहा है तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है क्यों क्योंकि ये अपने साथ डस्ट लेके आता है ठीक है तो जो ओशन में प्लेंगटन्स होते हैं उनके लिए ये अच्छी होती है डस्ट अब ये प्लैंगटन्स ग्रो करते हैं तो प्लैंगटनस क्या करते हैं एटमोसफेयर की सी ओ टू को एब्जर्व करते हैं तो हमारा कार्बन एमिशन ये कम कर सकते तो उस लिहाज से देखें कि अगर ये ओशन में रुक रहा है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए बहुत अच्छा है ठीक है लेकिन अगर ये ओशन में ना जाके किसी आइलैंड से अगर टकरा रहा है तो उस पॉइंट पे हमारे लिए कैसा है थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आइस वस्ट की नेमिंग कौन करता है नाम कौन रखता है तो यू नेशनल आइस सेंटर इसका नाम रखता है ठीक है और किन आइस वस्क का तो जो अंटार्क्टिक क्वाड्रेंट से निकले होते हैं उनको स्पॉट करके ये नाम रखता है नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है न्यूमोसिल से रिलेटेड न्यूमोसिल क्या है तो निमोनिया जो हमारे यहाँ पे डिसीज होती है उसके अगेंस्ट पहला इंडिजीनसली डेवलप वैक्सीन है इंडिजीनसली मतलब पूरे तरीके से भारत में डेवलप किया गया है तो कहाँ किया है तो पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने इसको डेवलप किया है न्यूमोकोकल बैक्टेरियम ये है आपका इसकी वजह से क्या होता है निमोनिया होता है ये बहुत एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है ठीक है किसके जैसे तो जैसे मैनजाइटिस होता है या सेप्सिस होता है उसी के जैसे ये लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है लाइफ जा सकती है इससे अगर अगर एस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की हम बात करें तो जो PCV है न्यूनो निमो निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन ठीक है निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन इसका अब ये थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर हो चुका है न्यूमोकोकल एडवांस मार्केट कमिटमेंट के अंदर न्यूमोकोकल डिसीज की अगर हम बात करें तो ये जो अंडर फाइव मोर्टलिटी है मतलब जो बच्चे पाँच साल की उम्र के पहले अगर उनकी डेथ हो जाती है तो अंडर फाइव मोर्टेलिटी के लिए ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है सिग्निफिकेंट एक कंट्रीब्यूटर है डब्ल्यू एच ओ की अगर हम बात माने तो डब्ल्यू एच ओ ने 2018 में रिकमेंड किया था कि जो पी वैक्सीन है ठीक है पी या वैक्सीन है जिसका नाम क्या है निमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन इसको जो चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं उसमें इंक्लूड करना चाहिए हर एक कंट्री में हमारे यहाँ पे कौन सा चल रहा है तो मिशन इंद्रधनुष ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं तो हमारे यहाँ पर चल रहा है मिशन इंद्रधनुष तो ऐसे इन सारे जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहे हैं हर एक देश में उसमें इंक्लूड करना चाहिए इसको डेवलप किसने किया है तो सीरम इंस्टीट्यूट ने किया है किसके साथ मिलके तो एक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पाथ पी ए टी एच और इसके बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इन दोनों के साथ मिल इसने ये वैक्सीन डेवलप की है नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है मोनपा पेपर से रिलेटेड खादी एंड ब्लेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन ने अभी मोनपा पेपर के लिए एक बनाने के लिए एक मेकिंग यूनिट खोली है तवांग अरुणाचल प्रदेश में तो ये मोनपा पेपर क्या है तो मोनपा पेपर या इसको मोन शुगु भी बोला जाता है ये हैंडमेड एक पेपर है जो कि बनाया जाता है कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में लगभग हजारों साल पहले से इसको बनाया जा रहा है ठीक है हजार साल पहले हम इसका ओरिजिनेशन देख सकते हैं ये हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस भी है इसका और रिलीजियस क्यों क्योंकि जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं या जो हाइम्स लिखी गई हैं मोनास्ट्रीज में उसमें इस पेपर का बहुत वाइडली यूज़ किया गया है ये पेपर कहाँ से मिलता है तो अरुणाचल प्रदेश में एक लोकल ट्री है वहाँ पे जो मिलता है उसका नाम क्या है शुगुशेंग उससे ये पेपर बनाया जाता है और ये जो ट्री है इसका मेडिशनल इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है ये यूनिट लगाई गई है तो अब ये यूनिट फोकस करेगी इस आर्ट को रिवाइव करने में साथ में जो इस एरिया के लोकल यूथ हैं ठीक है वो इस आर्ट को प्रोफेशनली सीख सकें और उससे कुछ अर्निंग कर सकें ये यहाँ पे मेन फोकस होने वाला है कि अर्निंग वाले पार्ट पे भी देख सकें और प्रोफेशनली भी इसको कर सकें साथ में प्राइम मिनिस्टर का जो एक ऑब्जेक्टिव है लोकल फॉर वोकल या लोकल टू ग्लोबल कि इंडिया से पूरे ग्लोबल मार्केट में जो लोकल एरियाज हैं तो वहाँ से पूरे इंडिया से ग्लोबल मार्केट में चीज़ों को पहुँचाना है उसकी तरफ ये एक अच्छा इनिशेटिव बोल सकते हैं या ये एक बढ़िया कदम है बढ़िया स्टेप है ठीक है तो ये हमारी न्यूज़ थी नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है राम गोपाल राव कमेटी से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसको हम पहले एच के नाम से जानते थे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसने एक कमेटी अपॉइंट की है जिसको हेड कर रहे हैं आईआईटी दिल्ली के एक प्रोफेसर हैं वी राम गोपाल राव इनको सजेस्ट अभी इन्होंने क्या है कि जो आई में रिजर्वेशन दिया जाता है एस सी का तो वो रिज़र्वेशन किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके स्टूडेंट एडमिशन में और फैकल्टी रिक्रूटमेंट में उस पर इनको सजेशंस देने हैं कमेटी ने यहाँ पे अब इसकी रिपोर्ट आई है तो कमेटी ने क्या सजेस्ट किया है कि 23 जो आई हैं ठीक है इनको किस एक्ट के अंदर डाल देना चाहिए सी ई आई एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन क्या है तो सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर्स कार्डर एक्ट 2019 इसके अंदर डाल देना चाहिए और इन सारे इंस्टीट्यूशंस को एग्जेम्प्टेड कर देना चाहिए किससे रिज़र्वेशन से तो अब ये एग्जेम्प्टेड कैसा होगा तो देखो इस एक्ट की जो सेक्शन फ़ोर है इसमें बोला गया है कि जो भी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस रहेंगे रिसर्च इंस्टीट्यूट रहेंगे या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल एंड स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूट रहेंगे इन सब में यहाँ पे किसी भी तरीके की रिज़र्वेशन अप्लाई नहीं होंगे इनको रिज़र्वेशन से एग्जेम्प्ट किया गया है तो यही रिकमेंडेशन इसने दी है कि जितने भी ट्वेंटी थ्री हैं इनको इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर कर देना चाहिए इस एक्ट के अंदर तो इनको इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर कर देना चाहिए इस एक्ट के शेड्यूल के अंदर ये इसने रिकमेंडेशन दी है छः महीने बचें केवल आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम को अन अकेडमी लेके आए आपके लिए बैचेस ऑलरेडी ट्वेंटी एट्थ ऑफ डिसम्बर से स्टार्ट हो गए हैं बाई ये बैच है छः महीने का 2021 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सिलेबस पूरा कवर कराएंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स होंगे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ होगी पी में स्टडी मटेरियल डाउट क्लियरिंग सेशन और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराई जाएगी एक साल का भी बैच है दो के लिए दो साल का बैच है दो के लिए सेम बैचेज़ अवेलेबल हैं प्लेन हिंदी में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के और प्रॉपर इंग्लिश में भी ये तीनों बैचेस अवेलेबल हैं जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनके लिए इसके लिए क्या है? तो करना है आपको तो अकेडमी प्लस आइकॉनिक ज्वाइन करें आइकॉनिक जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं जल्दी से करें अदरवाइज़ इसकी प्राइजेस बहुत जल्दी ही बढ़ने वाली हैं तो फिर आपको हायर प्राइस पे ज्वाइन करना पड़ेगा कैसे करें तोन अकेडमी ऐप डाउनलोड करें गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करें प्लान सेलेक्ट करें और बाद में रेफरल कोड अप्लाई करें जैसे ही रेफरल कोड लगाओगे दस परसेंट से प्राइजेस कम हो जाएंगी और कम प्राइज़ेस में ज्वाइन कर सकते हो ये मेरी क्लास टाइमिंग है ऑलरेडी स्टार्टिंग में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इनको तो अलग अलग ये क्लास क्लासेस आप देख सकते हो तो आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहीं तक थी पी चाहिए हो तो इस टेलीग्राम ग्रुप पे जाके डाउनलोड कर सकते हो ये रेफ़रल कोड है इसको अप्लाई करोगे दस परसेंट डिस्काउंट मिलेगा प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज को परचेज करने में एसएससी बैंकिंग यूपीएससी नेट जेई किसी भी कैटेगरी में इसको अप्लाई कर सकते हो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइक करो शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके उतना वीडियो को शेयर करो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन हिट करो ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच जय हिंद